पल जारी है। 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी और बीएनपी मेंगल के दरमियान मुकाबला है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि 4,60,202 वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 320 को इंतहाई हसास और 50 को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के अहलकार तैनात किए गए हैं और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को भी अलर्ट रखा गया है। ये नशिस्त पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अब्दुलरहीम मंदोखेल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, कोयटा में NA 260 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मुमताज़ से। शहजाद, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, NA 260 कोयटा चारगी में जो जमीनी इंतखाबात हो रहा है, तो आज जो है वो मैदान सज गया इलेक्शन का। इलेक्शन में मैं आपको बताता चलू कि जो मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 4 लाख से ज्यादा है, जबकि 17 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। तहम जो बीएनपी मेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम से, इसके अलावा जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी के माबाइन जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। हल्के में जो वोटर है वो काफी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है वोट कास्ट करने वाले अफराद की। इसके अलावा खवातीन की भी बड़ी तादाद घरों से निकली और वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रही है। कुछ खवातीन पहुंच चुकी है, लेकिन काफी तादाद में जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो खवातीन पहुंच रही पोलिंग स्टेशनों पर, ताकि वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सके। मैं आपको बताता चलूं कि हल्का NA 260 कोयटा चांगी पर जो नशिस्त खाली हुई थी वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा अब्दुल रहीम मंदोखेल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज इंतखाब हो रहा है। जी ठीक है शहजाद, ये भी बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम पोलिंग स्टेशनों पर जो है वो पुलिस और FCC को तैनात किया गया है। तहम जो है पोलिंग स्टेशनों के अंदर पुलिस तैनात है, इसके अलावा जो यही इलाके हैं वहाँ पर लेवीज भी तैनात है। तहम किसी भी नाखुशगवार वाक्य से निपटने के लिए पाक फौज को जो है वो अलर्ट रखा गया, स्टैंड बाय में पाक फौज भी जो है वो सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मुमताज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।